स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट से चिंतित है, जिसने अब दुनिया भर में दहशत फैला दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन पर चिंता भी जताई है, जबकि कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे डेल्टा से भी ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट बता रहे हैं, जो कुछ महीने पहले दुनिया भर में तेजी से फैल गया था। वेरिएंट B.1.1.529 को तेजी से फैलने के कारण खतरनाक माना जा रहा है। WHO ने कहा है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में अधिक जोखिम पैदा कर सकता है। तो आज आप सभी को सावधान करने के लिए COVID-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में कुछ गंभीर बातें बताएंगे, इसलिए हमारा ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की शुरुआत साउथ अफ्रीका से हुई। WHO ने आधिकारिक तौर पर 24 नवंबर को इसकी घोषणा की थी। इस नए वेरिएंट ने संक्रमण में एक नया उछाल दिया है। WHO ने कहा कि इसके पहले केस की पुष्टि 9 नवंबर को हुई थी। नया वेरिएंट अब बेल्जियम, हांगकांग और इजराइल के साथ साथ दक्षिणी अफ्रीका के यात्रियों में देखा जा रहा है। WHO के अनुसार इसका पहला सबूत री इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग COVID-19 से संक्रमित हुए हैं और ठीक हो गए हैं, वे अब फिर से संक्रमित हो सकते हैं। नए वेरिएंट पर की गई स्टडी से पता चलता है कि स्पाइक प्रोटीन में 32 उत्परिवर्तन के कारण यह वैक्सीन को 40% कम प्रभावी बनाता है। यूके के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि इसमें से 2 उत्परिवर्तन R203K और G204R वायरस को तेजी से दोहराने में मदद करते हैं। इनमें से 3 उत्परिवर्तन H655Y, N679K और P681H इसे बॉडी के सेल्स में आसानी से घुसने में मदद करते हैं। पिछले 2 उत्परिवर्तनों की एक साथ उपस्थिति में एक दुर्लभ घटना है, जिसे देख कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन कम असरदार साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ओमिक्रॉन में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन NSP6 नहीं है, जो पहले के पुनरावृत्तियों में मौजूद था, और यह इसे और अधिक संक्रामक बना सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि नए स्ट्रेन पर और भी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने अफ्रीका के बोत्सवाना के लिए एक सैंपल में ओमिक्रॉन पाया। आश्चर्यजनक रूप से इसमें स्पाइक प्रोटीन में 30 से अधिक परिवर्तन या उत्परिवर्तन शामिल थे। हालांकि इसके प्रकार और इसके प्रभावों पर अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, और वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। अन्य प्रकारों की तरह कुछ संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे। दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टरों ने कहा है कि WHO और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों ने वेरिएंट को बेहतर ढंग से समझने से पहले किसी भी तरह की अतिरेक खिलाफ चेतावनी दी है। ओमिक्रॉन की उत्पत्ति दुनिया भर में चिंता और डर का कारण बन गई है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन, US, कनाडा और अन्य देशों ने साउथ अफ्रीका की फ्लाइट्स स्थगित कर दी है। डेली अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द वोकल न्यूज़ हिंदी को।